अरे नहीं आ पाएगा, आ जाएगा भाई। अरे आगे, अरे आ जाएगा रे मेरे भाई, आ जा तू। हर महादेव, जय गिरनार, जय गिरनार। गाइस ये रहा गिरनार का शेर। क्या क्या हमारा उल्टा हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ गिरनार पर्वत पे, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। गिरनार पर्वत पड़ता है गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और गिरनार पर्वत जो है वो हाईएस्ट पीक है गुजरात का, तो आप इसे एवरेस्ट ऑफ गुजरात भी बोल सकते हो। गिरनार पर्वत हिमालय से भी पुराना है, तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको गिरनार पर्वत के बारे में देने वाला हूँ। साथ ही साथ ये आपको बताऊँगा कि आप गिरनार पर्वत कैसे आ सकते हो, दर्शन कैसे कर सकते हो गिरनार पर्वत के, यहाँ का रोपवे का चार्जेस क्या है, ओपनिंग टाइम क्या है, और गिरनार पर्वत को विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और गिरनार पर्वत के दर्शन करते हैं, और मेरे साथ बोलिए जय गिरनारी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप गिरनार पर्वत कैसे आ सकते हो। गिरनार पर्वत आने के लिए नज़दीक का रेलवे स्टेशन है, वो है जूनागढ़ जंक्शन। तो आपके यहाँ से अगर जूनागढ़ के लिए ट्रेन मिलती है तो ट्रेन पकड़ के आ जाइए, और जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से गिरनार पर्वत की दूरी मात्र 7 से 8 किलोमीटर है। तो जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा, शेयरिंग में भी ऑटो मिल जाएगा जो आपसे 30 रुपीज़ पर पर्सन लेगा। अभी आप प्राइवेट ऑटो भी बुक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है जूनागढ़ के लिए, तो या तो आप आ सकते हो राजकोट, या तो आप आ सकते हो अहमदाबाद। राजकोट और अहमदाबाद ये दो बहुत बड़े रेलवे स्टेशन हैं, और हमारे देश के हर एक बड़े शहर से आपको या तो राजकोट के लिए या तो अहमदाबाद के लिए ट्रेन बड़े आसानी से मिल जाएगा। फिर राजकोट से और अहमदाबाद से आप बस पकड़ के जूनागढ़ आ सकते हो। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो नज़दीक का एयरपोर्ट राजकोट है, तो आप आ जाइए फ्लाइट से राजकोट। अगर राजकोट के लिए फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है तो आप आ जाइए अहमदाबाद फ्लाइट से, फिर अहमदाबाद और राजकोट से बस पकड़ के जूनागढ़ आ सकते हो। अगर आप डायरेक्टली बस से आना चाहते हो तो आपको गुजरात के मेजर सिटी जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, वहाँ से डायरेक्टली बस मिल जाएगा जूनागढ़ के लिए। यहाँ तक कि आपको महाराष्ट्र के बड़े शहर से भी डायरेक्टली बस मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको राजस्थान से भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश से भी मिल जाएगा बस, तो आप बस से भी डायरेक्टली आ सकते हो। गिरनार में मैं जिस होटल में रुका हूँ वो है महावीर, एक्चुअली एक गेस्ट हाउस है जिसका नाम है महावीर गेस्ट हाउस, और जो गिरनार रोपवे का जो एंट्री है उसके थोड़ा सा बगल में ही है। तो एक बार मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये है छोटा सा रूम, जैसे कि आप देख सकते हो 3 लोग के लिए परफेक्ट है। फैन है, नॉन एसी रूम है जैसे कि आप देख सकते हो। वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये वॉशरूम है, छोटा सा नीट और क्लीन वॉशरूम है, और गर्म पानी का फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ के जो स्विच है लाइट चालू बंद करने के, थोड़े इस पैटर्न में, तो थोड़े अलग लगे मुझे। इस रूम का जो प्राइस है पर डे का वो है 1200 रुपया। एक्चुअली यहाँ पर आपको थोड़े महंगे रूम मिलेंगे, और स्पेशली सीज़न में, जैसे कि अभी सीज़न चालू है विंटर, ये बेस्ट सीज़न है गिरनार पर्वत विजिट करने का, क्योंकि जूनागढ़ स्टेशन के बगल में लोग हैं और या फिर गिरनार रोपवे के बगल में लोग हैं, ये दोनों लोकेशन पर आपको महंगे होटल मिलेंगे 1200 से लेकर 1500 रुपये तक, आप समझ सकते हो। हमने होटल सिर्फ 2 घंटे के लिए लिया है, हमको पड़ा है 500 रुपया, वो भी ज़्यादा ही है, बट अब क्या कर सकते हैं। ऑफ सीजन में आपको थोड़े सस्ते मिल सकते हैं। गिरनार पर्वत की चढ़ाई करने से पहले हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, तो ये जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर बहुत सारे आपको छोटे मोटे होटल मिल जाएंगे। तो हमने ऑर्डर किया है ढोकला, ये रहा, और ये सामने अपना दोस्त खाते हुए। एक प्लेट कितने का अंकल है? 40 रुपये का एक प्लेट है। तो ढोकला खाते हैं, गुजरात में आए तो ढोकला ज़रूर ट्राई कीजिए। नाश्ता हमारा हो गया है, और कुछ बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ATM नहीं मिलेगा। वैसे तो गूगल पे सब है यहाँ पर, बट अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो यहाँ पर ATM नहीं मिलेगा। स्टेशन के पास है, वहाँ से आप निकाल लेना कैश। और दूसरी बात कि स्टेशन से यहाँ तक आने का जो पर पर्सन शेयरिंग रहता है 30 रुपीज़ है, अगर आपको डायरेक्टली आना है तो 150 से 200 रुपये है। ये है पूरा पार्किंग एरिया गिरनार का, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो आप। और यहाँ पर हमको जाना है, सामने है गिरनार पर्वत इधर है, और यहाँ से हमको चल के जाना है। दोस्तों ये जो रोपवे है ना 5 बजे बंद होता है, और सुबह मॉर्निंग को 7:30 बजे ओपन होता है। दोस्तों हमने टिकट ले लिया है, और टिकट का जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है 593, और GST के साथ है 623 रुपया, और बच्चों लोग का है 312 रुपया, ऐसा कुछ। और टिकट दिखा, ये रहा टिकट। टिकट कुछ आपको ऐसा ही मिलेगा कि आप देख सकते हो, ये 2% का प्राइस है, 2 लोग का टिकट लिया है हमने। एक चीज़ अलाउड नहीं है, एक तो प्लास्टिक बॉटल वो अलाउड नहीं है, और दूसरा ट्राइपॉड अलाउड नहीं है,
तो मेरा जो ट्राइपॉड था छोटा सा था सेल्फी स्टिक जिससे मैं ब्लॉग करता था वो मैंने रख दिया है। अभी ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ट्राइपॉड गायब है मेरा, तो थोड़ा आज अजीब लग रहा है बट कोई बात नहीं, भी क्या कर सकते। अगर आप रोपवे से नहीं जाते हो, डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही सीढ़ी चढ़ के जाते हो ना, तो आप ट्राइपॉड कैमरा जो भी आपके पास है सब लेके जा सकते हो, कुछ भी आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप रोपवे से जाओगे तो आपको ये सब सबमिट करना पड़ेगा। आप चाहे तो रोपवे का टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हम लोग अंदर आ गए, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, रोपवे की लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है, ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आप पढ़ सकते हो, ये देखिए रोपवे का लेंथ है 2.3 किलोमीटर, हाइट है 850 मीटर और आपको 9 मिनट लगता है, 9 मिनट में आप सीधा ऊपर। ये आ गया हमारा टोला, उड़न खटोला का राइड, मात्र 9 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले ऊपर। राजन कैसा लग रहा है? अभी तो चालू हुई है सब बोला। तो ये उड़न खटोला को अक्टूबर 2018 से बनाना चालू किया गया था और 2 साल में बनके कंप्लीट हुआ था। एक्चुअली 1983 में इसको प्रपोज किया गया था बनाने का, बट इतने टाइम से डिले हो रहा था, बट फाइनली 2018 अक्टूबर में इसका काम चालू हुआ और 2 साल में बनके तैयार हो गया। आप लोग कहाँ से आए हो? सूरत। या मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम आ रहे हो? यस, 2-3 बार आए, उड़न खटोला में पहली बार। ओहो मजा ले रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मजा आ गया। तो यहाँ पर गिरनार पर्वत का पूरा डायरेक्शन है, स्टेप दिया गया है। जब हम नीचे होते हैं, नीचे से ये है जैन मंदिर जो कि है 4,500 स्टेप्स, उसके बाद 1,000 स्टेप चढ़ के हम पहुँचेंगे अंबाजी माता मंदिर। जब आप रोपवे से आते हो तब यहाँ पर सीधा पहुँच जाते हो, यानी कि 5,500 आपका स्टेप्स काउंट होता है। उसके बाद हम जाते हैं 240 स्टेप्स, यहाँ पर रेस्टिंग पॉइंट है, उसके बाद 224 और कवर करेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे गोरखनाथ हिल जो कि हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, यानी कि गुजरात का। उसके बाद 851 हमको नीचे आना है और उसके बाद 699 ऊपर चढ़ना है तो हम लोग पहुँच जाएंगे भगवान दत्तात्रेय मंदिर के यहाँ पर। तो टोटल मिला के 7,514 स्टेप से कुछ, ये इतना है इसके मैप के हिसाब से। यहाँ पर पॉइंट्स भी बने हैं जैसे कि ये सनराइज पॉइंट है और ये सिटिंग पॉइंट है, ऐसा मस्त। हम आपको ये मैप का फोटो ले लोगे आपको सब पता चल जाएगा। जहाँ पर रोपवे ख़त्म होता है यानी कि जहाँ से हम रोपवे में उतर जाते हैं वहीं पे आपको यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलेगा जो कि अंबा माता का मंदिर है और हमारे भारत में जो 51 शक्तिपीठ है माँ सती के, उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ पर आप जरूर जाइए, दर्शन कीजिए। हम भी कर चुके हैं बट क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, शूटिंग फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अंदर का मैं आपको नहीं दिखा सकता। जाइए दर्शन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और मेरे साथ बोलिए जय माँ अम्बे। अंबाजी माता मंदिर के यहाँ पर बहुत सारे आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे तो आप कुछ खा सकते हो, और पानी का बॉटल चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा बट यहाँ पर थोड़ा आपको महंगा मिलेगा। अंबाजी माता का जो मंदिर है वहाँ से गोरखनाथ मंदिर जाने के लिए आपको हार्डली 15-20 मिनट लगेगा, यानी कि ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, बट गोरखनाथ मंदिर से दत्तात्रेय मंदिर जाने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स है। बेसिकली गिरनार पर्वत पे 4 मुख्य मंदिर है, एक जैन मंदिर है, एक माँ अम्बा का मंदिर है, एक गोरखनाथ मंदिर है और मेन आखिरी मंदिर जो है वह दत्तात्रेय का मंदिर है। तो जब हम रोपवे से आते हैं तो जैन मंदिर हम नहीं विजिट कर पाते, हम सीधा माँ अंबाजी का मंदिर विजिट करते हैं, उसके बाद हम विजिट करेंगे गोरखनाथ, उसके बाद हम विजिट करेंगे आखिरी मंदिर की दत्तात्रेय का मंदिर। तो ये सामने आप ये सामने देख सकते हो, ये है गोरखनाथ जी का मंदिर और यहाँ पर है दत्तात्रेय का मंदिर। तो यहाँ से हम चल के जाएंगे अभी सीढ़ियों के सहारे, फिर वहाँ से उतरेंगे फिर और यहाँ से वापस चढ़ के जाएंगे दत्तात्रेय के मंदिर के दर्शन करने के। गिरनार पर्वत के चढ़ाई के दौरान आपको सब जगह से पूरे माउंटेन दिखाई देंगे, तो ये जो माउंटेन है एक्चुअली गिरनार हिल से पूरे, यानी कि गिरनार माउंटेन रेंज आप ऐसा बोल सकते हो।
और ऐसा कहा जाता है कि ये जो माउंटेन है ना ये काफ़ी पुराने हिमालय जो है ना माइटी हिमालय उससे भी पुराने हैं ये गिन्नर हिल्स। जैसे कि आप देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है, सब जगह आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। ये देखिए पूरे पहाड़ी पहाड़, पहाड़ों के बीच में हम पहाड़ी बोल और पहाड़ों के बीच में हम पहाड़ी लोग। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखनाथ टेम्पल, ये पीछे मंदिर है उनका, तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो वहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। और मेरे पीछे आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है दत्तात्रेय का मंदिर, यहाँ पर हमको जाना है। उसके लिए हमको यहाँ से ऐसा उतरना है, यहाँ पर जाना है इधर पे, यहाँ से इसको क्लाइम करना है यहाँ पे जाने के लिए। और ये जो पीक है ना जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं ये हाईएस्ट पीक है गिरनार हिल्स का, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि गुजरात का हाईएस्ट पीक है, तो आप इसे एवरेस्ट ऑफ गुजरात भी बोल सकते हो। ये देखिए हमारे बाबा को बाबा राजन, जय गिरनार, जय बाबा गोरखनाथ। आजा आजा उधर से आजा, अरे नहीं आ पाएगा, आ जाएगा आ जाएगा भाई, अरे आगे, अरे आ जाएगा मेरे भाई, आ जा तू। दिस इज समथिंग यूनिक वी कैन शो। जय बाबा गोरखनाथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए जो कि इस पर्वत पे विराजमान है जैसे कि आप देख सकते हो। तो उसके लिए हमको नीचे उतरना है, पहले ऐसा नीचे उतरना है। जय गिरनारी, जय गिरनारी। कहाँ से आए हो? सूरत। सूरत महाराष्ट्र। धुले महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय खानदेश। गोरखनाथ मंदिर से लगभग 2500 सीढ़ियाँ है दत्तात्रेय मंदिर तक जाने के लिए, और अगर आप चाहे तो डोली से भी जा सकते हो, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, तो डोली का प्राइस है कुछ 5000-7000, मतलब ऐसा कुछ फिक्स प्राइस नहीं है बट मिनिमम 5000 है उसके हिसाब से। और सामने अभी मंदिर है वहाँ पर जाना है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी अजीब लगी कि नीचे जैसे कि प्लास्टिक बॉटल अलाउड नहीं है तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर ऊपर आके बहुत सारे फूड स्टॉल है जो प्लास्टिक बॉटल दे रहे हैं पानी का, तो इन द एंड कचरा तो लोग कर ही रहे हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि सब जगह कचरा गिरा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल गिरे, शायद आपको ठीक से ना दिख रहा हो क्योंकि कैमरे में जूम इतना नहीं है। तो उसका फ़ायदा क्या है, नीचे प्लास्टिक बॉटल अलाउ नहीं कर रहे बट ऊपर बेच रहे हैं, तो ऊपर भी फूड स्टॉल ठीक है बट प्लास्टिक बॉटल बैन करना चाहिए, और उसके अलावा उसके बजाय कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, जैसे कोई पानी का टंकी लगाओ या कुछ ऐसा लगाओ जिससे लोग पानी पी सकें। जैसे कि शिवनेरी फोर्ट पे हम जब गए थे एक्सप्लोर करने के लिए शिवनेरी फोर्ट, तो वहाँ पे कैसा है कि हर जगह पे एक एक्वा गार्ड का उन्होंने एक अच्छे से मतलब सुविधा दिया है पानी के लिए, जहाँ पे हम बॉटल का कचरा भी नहीं होगा और हम पानी भी पी लेंगे। तो ऐसा सुविधा अगर यहाँ पे भी हो जाए तो ये यात्री लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, और कैसे है कि हम कितना भी बोलेंगे लोगों को कि कचरा ना करें कचरा ना करें, लोग उतना ही ज़्यादा कचरा करते हैं। तो बस यही एक है कि अगर ऐसा कुछ यहाँ पे सुविधा हो जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। प्लास्टिक बॉटल पूरा बैन हो जाएगा? हाँ, बैन तो करना चाहिए, प्लास्टिक कचरा नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, कचरा तो कैसा है कि ये अपने ऊपर निर्भय करता है कि लाइक आप कुछ भी करो, मतलब कचरा करने के लिए वो अपने माइंडसेट के ऊपर है भाई। अगर जो इंसान ठान लिया तो प्लास्टिक बैन भी नहीं होगा फिर भी वो कचरा नहीं होगा, लेकिन जिस इंसान ने बोलते हैं ना कि जिसके मन भ्रष्ट है ना तो वो किधर भी जाके कचरा करेगा, जिसका दिमाग कचरा है ना वो सब जगह कचरा करेगा। तो अपने दिमाग को क्लीन करो बस। थैंक यू दोस्त। तो ये है एंट्री पॉइंट गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका के लिए, यहाँ से जाना है हमको। तो भगवान दत्तात्रेय तक जाने के चढ़ाई हमारी जारी है। ये रहा यहाँ पर मंदिर है उनका, अभी भी आई थिंक 15 मिनट लगेगा ऊपर तक जाने को। ये राजन थक गए, आराम से बैठा है वहाँ पर। भाई थका नहीं, तेरे वजह से बैठा हूँ। सो जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, तो यहाँ पे बाबा बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का पानी दे रहे हैं, तो ऐसे सब सुविधा अगर हर जगह पे मिलेगी तो ये काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान दत्तात्रेय के मंदिर के यहाँ पर,
ये रहा ऊपर मंदिर, चलो चलते ऊपर। हर हर महादेव। जय गिरनारी। जय गिरनारी। तो भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हो गए हमारे और काफी अच्छे से दर्शन हुए, अंदर एकदम अच्छे से दर्शन किए हमने। और बेसिकली कि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, वो भी अच्छा है क्योंकि अलाउड नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके, और क्राउड ज़्यादा है इस टाइम पे क्योंकि ये पीक सीज़न है गिरनार पर्वत विजिट करने का, यानी कि अक्टूबर टू फरवरी ये पीक सीज़न होता है गिरनार पर्वत विजिट करने का। और अगर आप मानसून में आते हो तो थोड़े आपको कम लोग मिलेंगे, ज़्यादा गर्दी नहीं मिलेगी उस टाइम पे, क्लाइमेट थोड़ा अलग होगा। तो काफ़ी अच्छा लगा, आप भी आइए दर्शन कीजिए। राजन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। तो बोलिए मेरे साथ श्री गुरुदेव दत्त। और मेरे साथ बोलिए जय गिरनारी। हम जा रहे हैं गुरु दत्तात्रेय जो संस्थान यानी कि आश्रम है वो विजिट करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा, ये हम जा रहे हैं अभी। तो ये आश्रम है, ये पहुँच गए हम अभी आश्रम में। ये यहाँ पर आश्रम, आश्रम में हम जाके आ गए। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो कुछ दिखाई नहीं। अंदर आपको प्रसाद मिलेगा, देखिए ये रहा आश्रम में सामने, यहाँ पर है। अंदर आपको प्रसाद मिलेगा विभूति, और साथ में आपको यहाँ पर फ्री में प्रसाद मिलेगा यानी कि भोजन मिलेगा, दाल भात, और बाद में क्या था, शीरा था और पूड़ी था, ढोकला भी था। तो ये सब खाने को मिलेगा। खा के हमारा मन तृप्त हो गया, पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस प्रसादम का आनंद जरूर उठाइएगा, हाँ आपका मन तृप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो आपका ये गिरनार ट्रिप अधूरा है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, बहुत मज़ा आया हमको। दर्शन कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, दर्शन अच्छे से हो गया हमारा, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा आपको गिरनार पर्वत के बारे में, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन दबाना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय फ्रॉम गिरनार। जय गिरनारी।